बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे प्रोग्राम दस्तक बराहे रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के मौके पर कौमी असम्बली हॉल में एक खसूसी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज़ शरीफ साहब ने करारदाद पेश की, जिसमें मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया है कि अब हर साल 10 अप्रैल को यौमे दस्तूर पाकिस्तान के तौर पर मुल्क भर में मनाया जाएगा। करारदाद जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश की, इसमें कहा गया है कि यह करारदाद और कन्वेंशन तमाम रियासती इदारों पर जोर देता है कि 1973 के आइन पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। इस मौके पर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी मौजूद थे और उन्होंने भी इस मौके पर खिताब किया। खिताब करते उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं करेंगे, अलबत्ता उनकी यहाँ मौजूदगी इस बात का मजहर है कि उनका इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा जो आईने पाकिस्तान की किताब है, यही हमारी पहचान है और यही आगे जाने का रास्ता है। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा कि जो माजी में गलतियां हुई हैं, हम सबको उसे सीखकर आगे बढ़ना होगा। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, बहुत अहम नशिस्त है और पूरा महीना ये दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली के तौर पे मनाया जाएगा। फिर पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास हुआ जो बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसमें वजीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। अब ये जो बिल है, इससे पहले भी मंजूर कर लिया गया था, कौमी असम्बली और सेनेट से सदर पाकिस्तान को भिजवाया गया था, जिन्होंने दोबारा से इसे नज़रसानी के लिए भेजा था पार्लियामेंट। आज इसे पास करके दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है। इस मौके पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये जो तरमीम की जा रही हैं, कतई तौर पर इसमें का मकसद ये नहीं कि इदारे की ताकत को कम किया जाए, बल्कि तकवीत देने को और ज़्यादा इसमें शफाफियत और जामियत लाने के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो पेश किया गया है। इस मौके पर हमने देखा कि अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर्स ने भरपूर एहतजाज किया बार कैफ। इसके अलावा एक और बड़ा अहम बिल भी आज वजीर खजाना सेंटर इसहाक डार साहब ने पेश किया कौमी असम्बली में, और वो इलेक्शन अखराजात बिल है। आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्म में कहा था कि 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए जारी किए जाएं। अब ये हुकूमत पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट का भी आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में इजलास हुआ और उन्होंने ये मामला पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है। अब पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होगी और वहाँ पर यह फैसला और तयन किया जाएगा कि ये जो पैसे मांगे गए हैं, पार्लियामेंट इस हवाले से इस बाबत क्या फैसला करती है, जो पर वफाकी काबीने ने कहा है कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो ये एक अहम बिल है। इस मौके पर सेंटर इसहाक डार साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन जमहूरियत का बुनियादी जुज़ है, लेकिन इस वक्त मुल्क के मुआशी दाखिली और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, वो मुतकाजी हैं कि इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में हो, और जो एक आइन ने एक सिचुएशन क्रिएट की है कि तमाम जगहों पर केयर टेकर गवर्नमेंट हो ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और इस सिस्टम में करारदाद भी पास हुई कि तमाम पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शंस होने चाहिए। फिर एक और आम डेवलपमेंट आज हुई है, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने खत लिखा है स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) और 58 में तरमीम की जाए, ये तजवीज़ उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तरमीम जरूरी है, अदालत के 1 मार्च और 4 अप्रैल के फैसलों से तनाजात ने जन्म लिया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आज हमारे पास रोस्टर है मौजूदात के एतबार से, और जो शख्सियात से मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ में आपसे कराए थे, तो हमें ज्वाइन किया है सेंटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा में आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने, आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के और ऑब्वियसली पेशे के एतबार से वकील हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इदारा है पाकिस्तान बार काउंसिल, इनसे बात भी हो रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पहली दफ़ा प्रोग्राम दस्तक में तशरीफ़ लाए हारून रशीद साहब, और हमसे वादा किया हुआ फैसल करीम कुंडी साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, वो इंशाल्लाह हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे द मोमेंट ही ज्वाइंस अस, तो फिर हम उनसे भी उनका मौकफ़ लेंगे। दोनों मौसमान को फॉर्म वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से अगर गुफ्तगू का आगाज़ मैं वाइस चेयरमैन साहब से करूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रिविलेज बिल है सर, तो मैं बताऊंगा जानना चाहूंगा हारून रशीद साहब बताइएगा, चूंकि आप पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, फिर बार एसोसिएशंस के भी ये मुतालबात थे कि जो 100 वोटों की पावर्स हैं उनको रेगुलेट होना चाहिए, और अब ये जो बिल आया है इसमें कहा गया है कि ये चीफ जस्टिस साहब अकेले फैसला नहीं करेंगे अगर ये कानून की सूरत अख्तियार करते हैं, बल्कि उन समेत 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं यानी 3 रुकनी कमेटी इसका फैसले का तयन करेगी। दोबारा आज इसने पार्लियामेंट ने पास करके प्रेसिडेंट साहब को भिजवाया है, आप इस बिल के हवाले से क्या राय रखते हैं और आपका इदारा? देखिए ना, इस वो मोटो एक्शन जो प्रीवियसली हमारी हिस्ट्री है जितने भी लिए गए थे
उससे कौम को और मुल्क को नुकसान ही हुआ है। उसमें कोई अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और सुओ मोटो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया और सिर्फ चीफ साहब की ईमा पे लिए गए तो उसे प्राइम मिनिस्टरशिप से जाना पड़ा, और सब्सिक्वेंटली मियां नवाज शरीफ साहब वाला और अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब वाले दोनों के ऐसे ही हैं, और जिन जो माजी जो है वो सुओ मोटो एक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट की वो को मुनासिब नहीं थी। तो इसमें जो तजवीज़ इसमें जो अभी जो ये बिल इसी वजह से बना है क्योंकि सदर साहब ने वापस किया ना, सदर साहब की डिस्क्रिशन है, वो वापस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्शन लेके। अच्छा। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब ये बिल दोबारा पास होता है असम्बली से तो वो अगर जाता है तो वो ऑटोमेटिकली पास भी हो जाएगा अगर सदर साहब ना भी करें तो। लेकिन देखा जाए इस बिल को मूव करने की मेन वजह यही थी कि किसी फर्द वायद के इख्तियार की वजह से पूरी कौम सफ़र न करे। अगर फर्द वायद ये एक्शन ले लेता है और अपनी मर्जी के जजेज़ को बिठा कर अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई फैसला कर देता है तो वो मेरे ख्याल में आईनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, है। वो कानूनी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है, है। अब चीफ साहब ने इससे सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में कोई कमी नहीं आएगी। तासर एक ये है जो कि अपोजिशन की जानिब से आ रहा है, वो फिर मैं जस्ट सेंटर हमायूं साहब से पूछूंगा क्योंकि ये उसको अपोज कर रहे थे। आप क्या समझते हैं, आप एक एपेक्स बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, इससे क्या सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है, इसी तरह मुकन्ना भी इदारा है, आप समझते हैं कि इससे उसके इख्तियारात में कमी वाकिया होगी या नहीं होगी? इख्तियारात में कमी की बात तो आई ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पहले सिर्फ चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार थे, अब दो सीनियर मोस्ट जजेज जो होंगे वो भी उसका हिस्सा होंगे और वो कंसेंसस के साथ सुओ मोटो का की जो पावर है उसका इस्तेमाल करें। सेंटर हमारे साथ आपकी इजाजत से सेंटर राणा तनवीर साहब उनसे टेलीफोन पर हमें क्विक रिस्पांस लेना है, फिर मैं आपके पास आता हूं। सेंटर राणा तनवीर सॉरी मेंबर कौमी असेंबली है फेडरल मिनिस्टर राणा तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जनाब अली सर, क्या हाल है, ठीक ठाक है राणा साहब? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा राणा साहब, आज दोबारा आप लोगों ने पार्लियामेंट के मुश्तरक इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को दोबारा मंजूर किया है। हमारे पास मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंटर डॉक्टर हमायूं साहब और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। सर क्यों कर जरूरत महसूस की गई कि दोबारा इसे पास करके सदर मुमलिकत को भिजवाया गया है? आप समझते हैं इससे जो सुओ मोटो के मामलात हैं उनमें बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि एक पीटीआई की जानिब से ये बात कही जा रही है कि ये अदलिया की आजादी पर हमला है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं देखिए, उनको बेहतर कर रहे हैं वो एक बात सुओ मोटो की 1843 की, मैं समझता हूँ कि उसको भी रीडिफाइन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह इसका इस्तेमाल हुआ है, देखिए पहले तो उसकी कोई अपील ही नहीं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे इन्होंने वो पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के चार स्टेप ये छलांग लगा के ऊपर चले जाते हुए, ठीक है, उसके बाद कोई अपील ही नहीं है, अल्लाह भी रह जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म की पावर हो ख्याल हो तो उसको इतना केयरफुल इस्तेमाल करना चाहिए, कभी रेडी वाला, कभी फंडामेंटल राइट्स के तहत किसी चीज को ट्रैक कर लेना, खींच लेना, ठीक है, इसको रेगुलेट होना चाहिए, बल्कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, इसको रीडिफाइन कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी जो बात आपने की है कि उसको क्यों जरूरत पेश आई उसकी आजादी, मेरे हाल ये ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, जो उंगलियां उठती हैं इस पे, क्योंकि इंसाफ का जो अदारा है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी काजी हो जज हो, उसका जो पोजीशन होती है वो बड़ी सेंसिटिव और बहुत आजी से बब होती है, तो उन पे तो उनकी क्रेडिबिलिटी तो एक चीज होती है, एक साख होती है, एक लोगों का एतमाद होता है, ठीक है। अभी जो हालत हुई हुई है तो मैं समझता हूँ उसको रेगुलेट करने के लिए अगर उन्हीं के तो जो इक्वल ब्रदर जजेस हैं सारे बराबर हैं तो अगर तीन पर कर दिया जाए तो उसमें मेरा कोई उसमें कोई नहीं, और मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट का जो लफज है दुनिया में उठा के देख लें वो सारी सुप्रीम कोर्ट होती है, कोई एक जज नहीं होता कि एक जज बैठ गया और चीफ जस्टिस, अमेरिका में तो 9 जज है, वो 9 के 9 ही बैठ जाते, कभी भी नहीं हुआ कि वहां पे कोई बेंच बने कि 3 का 2 का 4 का, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीजें एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इम्प्रूवमेंट टाइम के साथ साथ होते हैं, जब भी कोई
इशू सामने आता है। ठीक है, राणा साहब आपको लुकता है कि राणा साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आज आसिफ अली जरदारी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बल्कि जो गोल्डन जुबली इजलास हो रहा था उससे खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात करें, इस जो उनकी सजेशन है उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं उनकी सजेशन बड़ी अच्छी है, लेकिन मैं खुद जाती तौर पर भी समझता हूँ कि हमारा जो आम जमहूरी लोग हैं या सियासतदान है इनका तो स्पेशली पार्लियामानी सिस्टम है, ठीक है, तो वो तो चलता ही इससे आगे डायलॉग हो, अपोजिशन है, ट्रेजरी बेंचेस है या हुकूमत है, ठीक है, चोली दामन का साथ है, सही है, और इनको बातचीत करते रहना चाहिए और मामला जो भी हो, ये तो बहुत बड़े इशू है इस वक्त फेस कर रहे हैं हम, मुल्क में क्राइसिस भी है, बट ये तो आम हालात में भी पार्लियामानी सिस्टम में आम लेजिस्लेशन में भी गुफ्तगू होती रहती है और कुछ लो दो पे चीजें चलती रहती है, कुछ लो दो से डर जाती है, ठीक है, लेकिन जो रवैया इस वक्त अपोजिशन ने अपनाया है जब हम थे अपोजिशन में, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है कि हमने हर वक्त इनको सपोर्ट या कोऑपरेट करने की कोशिश की, अपना तावन का हाथ बढ़ाया, और जब भी इनके साथ बैठे हैं कि हम आपके साथ बैठते हैं और बैठे हैं इनके सीनियर जो बंदे थे वो असद उमर या शाह महमूद या परवेज खटक साहब, परवेज खटक, और उनके साथ बैठ के चीजें तय करते थे और वो कहते थे जी हम ऊपर से पूछ लें, ठीक है, फिर आता था जी ऊपर नहीं मानते, खान साहब नहीं मानते, ठीक है, तो वो फिर वो बड़ी लंबी कहानी है वो, ठीक है। राणा साहब मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी ऑनलाइन में आपको लाइव करूं, जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं चाहूंगा कि जरा मौकफ मैं हुमायूं साहब को इस पे लेना चाहूंगा, क्योंकि माशाल्लाह ये भी पार्लियामेंटेरियन है, सेनेटर आज मौजूद थे, मैं सेनेटर साहब से जानना चाहूंगा पहले तो इस पे मुज़ाकरात की जो बात की है फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जरूरत आपको मौके वो मिलूंगा, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आप भी समझते हैं कि बगैर शराइत के मुज़ाकरात होने चाहिए और मामले का हल निकालना चाहिए, कुछ आप आगे हों कुछ वो पीछे आए और मामले का हल निकले ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू अनवर साहब, आपने मुझसे मेरी राय मांगी है, वैसे तो आपने मेरे बिहाफ पे बहुत कुछ कह दिया था जो हम नहीं मानते, लेकिन एनीवे देखिए बात ये हो जाती है कि क्या मुज़ाकरात हल है, मुज़ाकरात ही हल है, ही हल है, ही हल है, ठीक है। अच्छा, मुज़ाकरात किस बेसिस पे होने चाहिए, आपका मसला क्या है? सबसे पहले तो हमारा मसला क्या है, हमारा मसला जो है पाकिस्तान का वो इस वक्त जो है वो इलेक्शंस हैं, ठीक है, ठीक है, और इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, अब हमारी और किसी और की इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क आ सकता है, एक लॉयर दूसरे लॉयर, एक जज दूसरे जज के दरमियान में उसके उनके इंटरप्रिटेशन हो सकती है, लेकिन बेसिक मसला इलेक्शंस है, ठीक है, क्योंकि हमने दो असेंबलीज को तहलील कर दिया जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224(2) के तहत है, वो अपने वक्त से पहले तहलील कर दिया, तो उनको 90 डेज में इलेक्शंस होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर वो नहीं हुई तो किस वजह से नहीं, उसके ऊपर बहस हो रही है और उसके ऊपर बात भी होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है कि भाई उसमें 90 डेज में होना चाहिए था, अब ये क्यों डिले हुआ है, उसमें किसी न किसी को उसकी सजा मिलनी चाहिए कि डिले क्यों है, ये होना नहीं चाहिए, अगर 90 दिन हो जाएंगे ना, अभी 17 को हो जाएंगे, उससे विद इन 90 डेज होते हैं ना, ठीक है, तो खैर एनी वे बिसाइड द पॉइंट, अब इसमें पहले एक दफा जो डिले हुआ था वो जो जो पार्लियामेंट था ना उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से 1 time के लिए उसको एक्सटेंड किया था, ठीक है, ये 2008 की बात है मेरे ख्याल में, उसको एक्सटेंड किया था, वो तो मोहतरमा की शहादत, मोहतरमा की शहादत की बात है ना उसके, लेकिन स्टिल उसको एक आईनी कवर दिया, तो आप लोग असद कैसर साहब कहते हैं कि क्या पीटीए तैयार है कि अगर तरमीम हो और फिर अगर आगे कर वन टाइम उसके बगैर आप कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकल सकते और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ओके, ठीक है, तो उसके लिए अब इसमें हम बात क्या करना है, हमने बात एक, आप जब कहते हैं ना बगैर मशरूत, भाई बगैर मशरूत पे हमने किस चीज पे बात करनी है, एक ही टॉपिक है ना इलेक्शंस, इलेक्शंस पे बात कर लेते हैं, टाइमिंग्स पे कर लेते हैं, आप कहते हैं कि थोड़ा वो पीछे आ जाए थोड़ा मां के जाए, हम इसके लिए तैयार है, अच्छा उनका एक मकसद है, नहीं इसके लिए बिल्कुल तैयार है, अच्छा उनका एक मकसद है, वो कहते हैं कि देखिए अब वो कहते हैं कि नहीं हमारे जो हमारे पांचों के पांचों मींस नेशनल असेंबली और चारों सूबाई असेंबली में एक वक्त में होना चाहिए, ये भी कहते हैं, अगर ये एक वक्त में होना चाहिए तो आर्टिकल 224(2) को आप खत्म कर दें, ओके,
जो कहते हैं कि अगर देखिए ना उसमें कबल अज़मत हो जाए तहलील हो जाए तो 90 दिन में, तो फिर आप ये लिख दें कि आप एक सूबा या एक नेशनल असेंबली को नहीं कर सकते, करोगे तो पांचों करोगे वरना नहीं करोगे, तो फिर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करो। उसके लिए भी तर्मीम है, उसके लिए भी तर्मीम है, उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी है। ठीक है, ठीक है। तो जब हम बात कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं तो फिर लेट्स स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन ना। ओके, लेकिन आपने जैसे खुद कहा कि 2008 में नहीं, की लेकिन, लेकिन 40 दिन आगे गया, सारे मिल के बैठे थे ना, तो हम लोग सारे मिल के बैठ सकते हैं। हम कह सकते हैं चलो यार मई में, अगर अप्रैल में नहीं हो रहा मई में हो जाए, मई में नहीं होता मई के एंड में हो जाए, आप लोग भी तहलील कर दो, लेट्स डू इट विद इन 90 डेज, मई में नहीं जून में कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप उसमें बैठो तो सही ना। अगर आप कहोगे नहीं अक्टूबर से पहले नहीं होगा या अगले साल दिसंबर से पहले नहीं होगा या किसी भी वजह से पहले नहीं होगा, दैट्स नॉट करेक्ट। लेकिन नुक्ता ये है कि उसके लिए बैठना जरूरी है। देखिए ना उसके लिए नहीं, उसके लिए सबसे पहले आपने अपना दिमाग बनाना है कि हम इस मकसद के लिए बैठ रहे हैं। हम एक मकसद के लिए बैठ रहे हैं और उस मकसद में अब जाके बैठ जाए और आपका 25 पॉइंट का एजेंडा हो, वो नहीं हो सकता। ये जो चीज है ये टिपिकली 1 पॉइंट एजेंडा होगा जो इलेक्शंस है, विच इज द बोन ऑफ कंटेंशन, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सारी चीजें दाव पे लगी हुई है। दैट्स अ पॉइंट टेकन। राणा तलवी साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपने तो मुतअद्दिद इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन ही बेसिकली इस वक्त बोन ऑफ कंटेंशन है। पीटीआई का कहना यह है, जाहिर बात है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आप कराएं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना पहला ऑर्डर था यकम मार्च में उसे कहा था बेरेस्ट मिनिमम आगे जा सकते हैं, वैसे भी जो 14 मई की डेट दी है, अब जो 4 अप्रैल का फैसला है वो 90 दिन से तजावज करता है, तो क्या इस मामले पर निश्चित हो एक माइंड सेट है जी जी, ये जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, जो हमारी अप्रोच है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, वही बस आखिरी बात है। मकसद ये है कि आप बेर मिनिमम आप कैसे आगे जा सकते हैं, तो देन वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ये कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आपस में बातचीत कर लो तो सेटल करो, देन वेयर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ जाएगा, 90 डेज किधर जाएगा? आई मीन कि आज 90 डेज किधर है? क्या उस मान से उतरे हुए हैं कि जिन्होंने 90 डेज ये कंडोन कर सकते हैं? कौन सी पावर है चीफ हाई सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं, कि वो कंडोन कर सकते हैं? नहीं, वो तो आप ही लोगों ने कर रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी से जो कर रहे हैं। मेरी बात सुनो जी, टोको ना मुझे जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट सारे, वो कौन सी ताकत है जो अमेंडमेंट का सिर्फ अख्तियार तो है पार्लियामेंट को जी, बिल्कुल 2/3 मेजोरिटी के साथ कंडोन करना है तो वो कर सकते हैं। जिस तरह हमने 2014 या पता नहीं 15-17 में ये जो सेंसस से आए तो उसकी नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफाई नहीं हुआ था, वन टाइम प्रोविजनल नोटिफिकेशन हुआ था जी। उस वक्त ये बात आई कि अगर ये प्रोविजनल नोटिफिकेशन पे ना डिलिमिटेशन हो सके ना इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, हमने वन टाइम अमेंडमेंट की 2/3 मेजोरिटी से कि प्रोविजनल ये जो है बुरी नतीज पर कर लिया जाए। ठीक है, उस पर वन टाइम सारा प्रोसेस कर लिया जाए, उसमें अमेंडमेंट की मेजोरिटी है इसने पार्लियामेंट ने, नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और हमने वो करके चले गए। जब फाइनल नोटिफाई हो रहा है तो फिर दोबारा डिलिमिटेशन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी सेंसस की जो उस वक्त आपने मुकम्मल। तो सर मेरा सवाल भी यही है ना कि आप दोबारा पार्लियामेंट बैठ सकती है पीटीआई इंक्लूडेड? मकसद ये है, मेरी बात सुन लो, और भी बड़े आर्टिकल है, साफ शिफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ऑब्लिगेटरी है। अगर 90 डेज ऑब्लिगेटरी है तो बिल्कुल, अगर देखता है साफ शिफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते तो वे क्या करेगा, वो किधर जाएगा? आर्टिकल आई मीन के इसको इन टोटैलिटी देखना चाहिए। ठीक है, बाकी रही बात कि अगर ये फैशन चल गया एक इलेक्शन असेंबली तोड़ दो, जिसकी किसी की मेजोरिटी उधर हो तो कहे कि मेरी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है तो अब इलेक्शन कराओ, अब कराओ, अब कराओ। इनका मकसद इन दो का कराना नहीं था, इनका मकसद तो ये था कि राजनीति के इनको तोड़ो और सारे जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ इनके बैक ऑफ माइंड में इमरान खान के ये था कि ये नहीं चलेगा, क्याओस हो जाएगा, क्राइसिस आ जाएगा और ये सारे के सारी जनरल इलेक्शन में बात चली जाएगी। ठीक है, और वही पे को कर रहे हैं कि क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। अगर राजनीति से कभी निजाम नहीं चलते, ठीक है, कभी राजनीति से किसी चीज को सेंगल से आप लॉ बनाते हैं
अगर उसको डिफीट करना है ला को बाद नीचे से बीच में ढूंढनी है चीजें जो वकला करते हैं ढूंढते हैं चीजें उसमें कि वो उस टच करते हैं इधर से। दूसरा राणा साहब, चूंकि आप कैबिनेट के मेंबर है, जरा बताइएगा इलेक्शन जो आप लोग अखराजात बिल आप पेश किया है, अब ये मामला आप लोगों ने पार्लियामेंट के सुपुर्द किया क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल का जो फैसला था, 10 अप्रैल की डेडलाइन थी, 21 अरब रुपए आप लोगों ने रिलीज करने थे, वो तो नहीं हुए। अब जो क्योंकि साथ में मॉनिटरिंग जज का भी कॉन्सेप्ट है, 11 अप्रैल को रिपोर्ट भी जानी है, तो जरा हमें बताएंगे, आप बड़े एक्टिव कैबिनेट मेंबर हैं, अब ये मामला पार्लियामेंट तय करेगी 21 अरब रुपए के दिए जाए या ना दिए जाए। यार बड़ी बड़ी सिंपल बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जब ये बात आई उसको एक बजटेड मनी होती है, जो जून में हमने बजट पास किया उसमें उनके पास इलेक्शन के पैसे हैं। अच्छा, लेकिन जनरल इलेक्शन के या इस किस्म के इलेक्शन के नहीं है, क्योंकि वो क्योंकि एक एंटी पार्टी जो चीज है वो है कि भाई ये 23 में इलेक्शन होने हैं अक्टूबर में, क्योंकि 12 अगस्त को असम्बली की मियाद खत्म हो जाएगी जी, कौमी असम्बली की, कौमी सारी आगे पीछे एक दो दिन जब जिस तरह हो जी, बलूचिस्तान सिंध और चाहे नहीं नहीं प्यारी सूबाई असम्बली है ना, दो तो हो गई ना, चले छोड़े उसको, लेकिन ये एक लिखी पड़ी चीज है। तो इस जून में ये सारा बजट जाना था उनको, जो भी उनके असेसमेंट थी कि ये हमारे खर्चे आएंगे जनरल इलेक्शन पे, क्योंकि वो बजट में नहीं है। ठीक है, अब उनको चाहिए एक्सेस बजट से, एक्सेस बजट से देने के लिए वो कुछ देगी असम्बली देगी, तो असम्बली के अलावा कोई एक पैनी भी किसी का कंट्रोल नहीं, ना किसी गवर्नमेंट का, ना कैबिनेट का, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो आए नेशनल असम्बली के कोई एक पैसा उसकी जाल के बगैर नहीं लग सकता। ठीक है, सप्लीमेंट्री ग्रांट पे अगर 21 अरब देना है तो उनके पास चले गए कि आप इजाजत दें ये पास। मेरा सवाल था वो डेडलाइन गुजर जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे फिर राणा साहब? कॉन्सिक्वेंसेज आगे भी तो डेडलाइन गुजर गई है ना यार, फिर फाइल लगा दें सबको आपके, एक वो भी तो आईन है ना। अच्छा, कि कोई पैसा नेशनल असेंबली के बगैर नॉट अ सिंगल पैनी आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। ठीक है, वो आप, एक बजट एक है। ठीक है, आपने कहा जो भी एक्सेस बजट होता है सप्लीमेंट्री बजट होता है दोबारा उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओके, ये आपका नुकता है, जरा मेरे साथ रहेगा। मैं सर आप अहम नुकता उठाए सर, वो इलेक्शन अगर 50 रुपए और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरी बात सुन ले अनवर, मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट एक अनडिजायरेबल प्रैक्टिस है। ओके, ये हम किसी तरीके से अप्रूव नहीं करते और ये हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिस एग्जेक्टिव को कहते हैं बंद करें। ओके, ये सप्लीम पहले ही बजट जून में आप अपनी असेसमेंट सही करें, अपने एस्टीमेट सही लगाएं। हाँ, अनलेस के कोई ऐसे जिस तरह जलजला आ जाता है या कोई फ्लड आ जाता है या कोई इस किस्म की ऐसे अनसीन चीजें आ जाती हैं, वो डेफिनेटली एक है इमरजेंसी है, उसके लिए ठीक है, पढ़ते हैं पैसे सप्लीमेंट्री कारण में, ये नहीं है जो उस वक्त तो हमने सोचा था कि पेट्रोल इतना लगेगा। ठीक है, राणा साहब नुकता आ गया, राणा साहब आपका नुकता आ गया, मैं चाहूंगा इस पे जरा मैं मौका लूं सेंटर भाई साहब, फिर आप राणा साहब से अकेले ही प्रोग्राम नहीं, वो बात उनका मौकफ आ गया था, मैं अब आपसे जाना चाहूंगा। देखिए राणा साहब बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, वो कैसे उनको कख नहीं पता, तो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कैबिनेट डजंट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन। सर राणा साहब अभी जरा चुप रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास आता हूं सर, आता हूं आपके पास, आर्टिकल नंबर 81-82 पढ़ें, 86 पढ़ें। अच्छा, ये कहता है ये है बजट फॉर द इलेक्शंस, ये कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नहीं है, ये आपके कंसोलिडेटेड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से होते हैं, दीज आर चार्ज्ड अकाउंट्स। चार्ज्ड अकाउंट्स का मतलब है कि आप इससे फंड्स लेते हैं और पैसे बाद में देते हैं, मतलब ऑलरेडी आप कहने का मतलब है होते हैं, ऑलरेडी होते हैं, वो किस मद में होते हैं सर? ये कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, ये उसमें से निकाले जाते हैं। ये आर्टिकल 82 के अंदर लिखा हुआ है कि इसके ऊपर आप नेशनल असेंबली में वोट भी नहीं करवा सकते। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये मैं जानना चाह रहा हूं, ये जो 21 अरब रुपए हैं आपका नुकता ये है, यस ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में मौजूद हैं, बिल्कुल होंगे, होने चाहिए, उनमें से निकलते हैं, उनमें बहुत होते हैं। अच्छा, फिर उसमें कहते हैं आर्टिकल 86 कहता है पावर, राणा साहब आपके साथ ये नुकता लेके आता हूं राणा साहब, उसके बाद आर्टिकल 86 पूरा मौका मिलेगा सर, उसके बाद आर्टिकल 86 कहता है पावर टू ऑथराइज एक्सपीडेंट व्हेन असेंबली इज डिसॉल्वड नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटिन्यूड इन फॉरगोइंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्या कैसे फाइनेंशियल मैटर्स एट एनी टाइम व्हेन नेशनल असेंबली इज डिसॉल्वड
उसमें ऑथराइज फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हो जाते हैं एंड दीज आर चार्ज्ड अकाउंट्स होते हैं, तो ये इस लिहाज से होते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि हम इसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट कर रहे हैं या कोई बजट ला रहे हैं या कोई सेकेंडरी वो चीज है। एक और सवाल मेरे ज़हन में आया, आपने तो ये कह दिया, लेकिन जो स्कीम ऑफ हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये फर्स्ट टाइम होगा कि जो दो असेंबलियां कबल इस वक्त तहलील हो गई है उनके इलेक्शन होने और वो 90 डेज का आप कह रहे हैं। सर मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, जिन लोगों ने तो क्या? जिन लोगों ने जो टू थर्ड, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, हाँ। सबसे पहले हम कहते हैं पार्लियामेंट में टू थर्ड मेजोरिटी जो होती है ना वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी इस्लामिक लॉज के इस्लाम के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन, अब उसके बाद अगर आपके पास टू थर्ड मेजोरिटी नहीं है तो आप सिंपल एक्ट बना सकते हैं या लॉज बना सकते हैं। वो लॉज जो होते हैं ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जाते, वो कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ नहीं सकते। इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है, ठीक है ना। उस लिहाज से तो आप ये जो इन लोगों ने अभी जो एक्ट पास कर रहे हैं उसको तो फाइनेंशियल है, ये दूसरा जो कर रहे हैं ना इसमें दो पॉइंट्स हैं जो रिमेंबर। एक है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की हर किसी को जाती हमले से परहेज करना चाहिए, आपने कहा कख नहीं पता, इसको मोतरेज है, ठीक है ठीक है जी। राणा साहब जवाब दीजिएगा प्लीज, और बजट बनाने का तरीका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट टू थर्ड मेजोरिटी से किस तरह होती है, क्या एक्ट क्या होता है, ये हमें बताते हैं जो 40 साल से ये काम कर रहे हैं, 40 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा आगे चार आर्टिकल इन्होंने याद कर लिए। मेरी अब बात आराम से सुन सर, आप लाउड एंड क्लियर है राणा साहब, बात कीजिएगा जी। अगर अगर असेंबली नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाए, यहाँ जो असेंबली है ओके, अगर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व होती है ठीक है, उसके जो एक्सपेंडिचर है वो जो ये बात कर रहे हैं फिर वो आर्टिकल उनको डील करेगा। ओके नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो यस, जो ये बात करते हैं आप, नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के बगैर चार्ज एक्सपेंडिचर भी नहीं हो सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सप्लीमेंट्री ग्रांट फर्क क्या है, ओके okay. ये है कि जो भी सप्लीमेंट्री ग्रांट पे हम जाते हैं वो जून में मेन बजट के साथ हम सप्लीमेंट्री ग्रांट जितनी साल में लगती हैं वो ले जाते हैं, जब मेन बजट पास हो जाता है तो उसके बाद उनको हम डिस्कशन के लिए ले आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस ये है कि हम उस पर कहते हैं क्योंकि ये खर्च हो चुका है, ठीक है, लिहाजा इसका कोई हल नहीं है, ये वापस रिकवरी नहीं हो सकती, ना अफसरों से ली जा सकती है ना ठीक है किसी अदारे से ली जा सकती है, लिहाजा ये घर बैठे हैं तो आप मेहरबानी करें तो आप, ठीक है। राणा साहब नुकता आ गया, आप एक क्लैरिटी के साथ बता दिए, तो लेना आप अगली भी बात सुने ना जी ये जो है ये क्योंकि उसी बात है उसी चक्कर में ये आती है सारी चीज, लिहाजा हम उस वक्त से पहले क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट है 21 अरब रुपया है, ठीक है, असेंबली के पास ले गए कि हमें अभी इजाजत दें, ठीक है ठीक है, आप ठीक है, आप दे देंगे तो पैसे दे देंगे, पैसे दे देंगे अगर हो जाएगा तो हो जाएगा। राणा साहब मेरे साथ रहेंगे कि ये नुक्ता सेनेटर साहब, एक सुप्रीम कोर्ट में जो आपने कानून पास किया है इंटरप्रिटेशन, यस इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन इंटरप्रिटेशन इस किस्म की नहीं कि जिस तरह 63A की उन्होंने कर दी है, ओके कॉन्स्टिट्यूशन री राइट नहीं करता, मेरी बात सुन ले, इंटरप्रिटेशन तो यहां तक होती है कि वो जो उनकी होती है ना एक सर आपका नुकता ही जवाब ले रहे हैं उसका होती है, ठीक है, अगर मैं एक ला पास कर रहा हूँ तो वहां पे जो डिबेट होती है कि हम क्यों कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन में उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट कर दी जाएगी इंटरप्रिटेशन में तो वक्त आएगा कि ये अब तो सर ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट पे ले रहा है सर, अब मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि हमारे जो वाइस चेयरमैन है, मेरी बात सुन ले, फिर हम इसका करेंगे जब टू थर्ड मेजोरिटी आ जाएगी तो उसको सिंपलीफाई। राणा साहब वो कह रहे हैं आप इतने जमहूरियत पसंद है, आप ही की तो बात सुन रहे, आप जरा मेरी बात सुनिएगा, मेरे साथ रहेगा चूंकि अब आपने उसका तो बताया, आप कानून नुक्ता बताया, फिर मैं माजरत के साथ उनके पास जाऊंगा, आप सुप्रीम कोर्ट कानून के हवाले से क्या कहते हैं। देखिए इस तरह है, इन्होंने जो बिल आज दोबारा पास किया जो प्रेसिडेंट साहब ने किया था, ठीक है, उसके दो हिस्सों को मैं डिवाइड करता हूं, अब आप सुप्रीम कोर्ट के जो लेजिस्लेशन दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक हिस्सा है जो
आर्टिकल 184(3) के साथ है, जिसमें वो कहते हैं कि सुओ मोटो को लेने का तरीका ये है कि आप वो कर लेंगे। अच्छा, ये बेसिकली सुप्रीम को कि इन लोगों ने कहा है ना कि आप 3-member बेंच वो करेगा, कमेटी के पास जाएगी, कमेटी के पास जाएगी, कमेटी उसका करेगी, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, अगेन ये आर्टिकल 191 में सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो अपना वो उस लिहाज से वो करे, क्या कह सकते हैं, सब रूल्स बनाए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक और चीज है, आप कहते हैं ये नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, उसमें देखे ना, उसमें दो चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ हम ये लॉ बना रहे हैं। अच्छा, जब आप फोर्स कैजुअल में जाते हैं, आर्टिकल 70 का सब क्लॉज 4 जो है उसमें लेजिस्लेटिव फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसमें 55 number में जो भी ज्यूरिसडिक्शन वो है, प्रपोजल है वो हर एक चीज के लिए, बट इट इज नॉट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट, सो दैट मीन्स के आपने सुप्रीम कोर्ट को आपने टोटल इंडिपेंडेंट कर दिया है कि वो अपने फैसले, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो खुद करेंगे, ठीक है। तो ये जो ये आर्टिकल 184(3) जो है, इसमें मैं भी एग्री करता हूं कि ये होना चाहिए, क्योंकि एक बंदा उसका मिसयूज कर सकता है और हुआ भी है। आई एग्री विद दैट, ठीक है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला क्या है? मसला ये था कि ये सुओ मोटो जो हुआ था, ये किस लिए हुआ था? ये इलेक्शंस के लिए हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने उसके बाद इन्होंने दो चीजें डाली, एक तो टाइमिंग अपनी जगह, इन्होंने दो चीजें डाली है, इन्होंने क्लॉज नंबर 5 और क्लॉज नंबर 6, ये अपील के लिहाज से है, ठीक है। अपील के लिहाज से इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 184(3) के साथ हम इसको अपील का हक देंगे। ये आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलेंगे, आर्टिकल 184(3) की बजाय 184(4) नहीं लाएंगे, उसके अंदर अपील नहीं लेकर आएंगे, आप इस लॉ को कर नहीं सकते विदाउट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कर सकते। आपकी इजाजत, इनसे पूछ बताइए, इन्होंने जो सेंटर हमारी साहब कह रहे, चूंकि आप तो खुद कानूनदान है ना, और ये बार काउंसिल्स की भी बात थी, वो कह रहे हैं कि बगैर तरमीम के आर्टिकल 184(3) में आप तब्दीली नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इस पे आप बताइएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट राय दें, क्योंकि ज़रूरत हर कोई पोजीशन लेता है, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है ही नहीं थे, और जो 191 की ये बात करते हैं कि रूल्स के तहत वो कर सकते थे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स फ्रेम नहीं किए हुए। और ये जो सुओ मोटो हुआ है, ये दो जजेस जो कोई और केस सुन रहे थे उनके रेफरेंस से आया वही था, जो उन्होंने आर्डर किया था, और मुजाहिर नकवी साहब उन जजेस ने एक और केस सुनने के दौरान ये फैसला किया जी कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। उनके पास ना तो ये इशू था, उन्होंने जो वो जो CPO था उसके केस सुनने के दौरान ये आर्डर किया था कि ये सुओ मोटो लेना चाहिए कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। हालांकि मैटर जो था वो सिविल मैटर था, सर्विस मैटर था, उसका उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र या सस्पेंशन जो थी वो डिस्कस हो रहा था। उस दो जजेस साहबान ने जब ये लिख के भेजा तो चीफ साहब ने सुओ मोटो ले लिया। अब चीफ साहब ने सुओ मोटो अपने तौर पे भी किस रूल्स के तहत कि दो जजेस रिकमेंड करें और चीफ साहब वो सुओ मोटो ले लें, और वही जो जजेस जिन्होंने भेजा था उनको भी इस बेंच में बिठा दे। जब ये 9 का बना, पहले 9 का बना था, फिर 9 में से 2-7 हो गए, फिर 7 में से 5 हो गए, फिर 3 हो गए। अब मसला ये आया कि अब ये जो नेशनल इंटरेस्ट वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस साहब का जो सुओ मोटो एक्शन था वो खिलाफ आइन था, क्योंकि उनका ऑलरेडी मामला पेंडिंग था। अथर मिनल्ला साहब, जैसे साहब ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में भी था, पिशावर हाई कोर्ट में भी था, और वो दोनों अब भी पेंडिंग है। लाहौर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो चैलेंज हुआ है ICA में, वो ICA पेंडिंग है, इंट्रा कोर्ट अपील, इंट्रा कोर्ट अपील में पेंडिंग है, पिशावर हाई कोर्ट का मैटर उसी तरह पेंडिंग है। अब मसाइल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर्स की वजह से क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अगर ये बात होती, दूसरी बात ये है कि इलेक्शन वो कहते हैं 90 डेज के अंदर हो, पहले फिर अतर मिनोला साहब ने ये भी कहा है अपने ऑर्डर में, और जो ऑर्डर उन्होंने कल दिया था वो तो अपहेल्ड है, वो तो लेटेस्ट ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा था कि असेंबलियां तोड़ने की वजह क्या है, वो भी कहा था उन्होंने, ठीक है। अभी जो इन्होंने नुक्ता उठाया है, मैं अपील का बता देना, जो उन्होंने कहा, जो सेंटर हमायूं साहब कह है कि जो अपील का राइट दिया गया वन टाइम का ना, उन्होंने कहा
who exercise jurisdiction under clause 3 of the article 184 of the constitution to the larger bench of the supreme court. आप इस चीज को और राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस, ये दोनों चीजें जब तक आप आर्टिकल 184 को अमेंड नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, आप इसको कर नहीं सकते. Okay. अब मैं हमारे साथ राणा तरवीज साहब हैं. जी राणा साहब ये बताएं, ये जो आप लोगों ने अमेंडमेंट पेश की है, सेंटर हुमायूं साहब ने कहा जब तक से तरमीम नहीं होती, आपने कानूनी बिल पेश किया, जब तक से आईन में तरमीम नहीं होती तब तक आर्टिकल 184(3) में जो चेंजेस है वो नहीं ला सकते. मेरी बात सुने आप, ये बहस जो शुरू की हुई है आपने, फजूल बहस है सर. ये तो आप लोग इसी पे तो कौमी असेंबली में बिल लेकर आए ना सर. मेरी बात सुन लेना यार. जी बताइएगा. आपने तमाशा लगाया हुआ, मेरी बात सुन सर. सर बताए बताए. हमने अपनी विजडम में एज ए पार्लियामेंटेरियन, ठीक है, 40 साल से ये काम कर रहे हैं, 85 से शुरू किया हुआ ये काम. जी हमें मालूम है सर. ये तो हमने अपने वकला भी हैं, ये भी वकील होंगे, दूसरे भी वकील हैं. हमने अपनी जो हमारी फैम है, जो हम समझते हैं कि यही है, ये कानून है, इस तरह कानून साजी हो सकती है. ओके. ये हम कर सकते हैं 191 क्योंकि जहाँ हमको सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार दिया हुआ रूल बनाने का, अगर वो 20 साल ना बनाए तो पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम अदारा है जो बनाता है कानून, हमने लॉ बना दिया, एक्ट बना दिया जो कि अबाव है, रूल से ऊपर है उसका दर्जा, आईन से नीचे है, और जो हम एक्ट बनाए. तो अगर ये इतनी तकलीफ पे लगे हुए हैं तो ये जाना ही जाना है किसी फोरम पे, सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि वो जाना ही जाना करेंगे क्या है. तो मैं समझता हूँ ये जोर लगाना ही करना, ये छोड़ते ही करना, हम जो इन्होंने तमाशे लगाए हैं, जब कासम सूरी ने जो काम किया था, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त असेंबली तोड़ी थी नेशनल असेंबली, जिस तरह आर्टिकल 5 के तहत इन्होंने उठ के 2 मिनट में ये काम कर दिया, उस वक्त तो कोई आईन की इंटरप्रिटेशन ना इनको याद थी ना ये काबिलियत, पता नहीं कहाँ छोड़ आए थे, घर छोड़ आए थे, भूल गए थे. अच्छा. ना कभी इनकी जुबान से बात सुनी है कि उस वक्त हमने गंद किया था, हमने चवल मारी थी. तो मैं समझता हूँ ये चीजें छोड़ दें, ये चीजें कर रहे हैं, हम करेंगे, हमारे वहां पे मेजोरिटी है, मेजोरिटी से की है, इनके प्रेसिडेंट ने चवल मारी है, वो वापस आ गया है. ठीक है, वापस आ गया तो हमने दोबारा पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में उसको कर लिया है, तो दोबारा प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं. हाँ, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के तहत हो रहा है, और वो जो वो चीजें होंगी और जिस तरह चलती जाएंगी. हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि आप लोगों ने अपनी दानिश में, विजडम में ये किया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है, ये आपकी बात राणा साहब. हम ये हमें जाहिल समझते हैं, हम इनको अबू जाहिल समझते हैं. अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये मुझे कह रहे थे ना, कुछ नहीं पता इनको, जुमा 8 दिन ये सैनेट में आए, कहा आए, इनको सब पता है और किसी और को पता ही नहीं है. नहीं सर, वो आपकी बात सही है, वो तो हर किसी को, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. वो तो 8 दिन इन्होंने 4 साल हुकूमत की है और गंद पाकिस्तान के साथ कर दिया, पाकिस्तान तबाह कर दिया है, सब कुछ पता है और हमें कुछ पता नहीं है, क्या बात है. और इनकी जुबान अपनी है ना, इनकी अकल अपनी है ना, इनकी कंडक्ट अपना है. मैं जो राज साहब, आपने ये आपने नुक्ता बताया, आप नुक्ता थे हमारे साथ हैं, सेंटर कामरान मुर्तजा साहब. जी मैं बोल रहा हूँ. कामरान साहब, ये सर ये बताइएगा, ये चूंकि सेंटर हुमायूं साहब आपके कुलीग हैं, इन्होंने जो कानूनी नुक्ता उठाया राणा साहब की, तो बात हमें समझ आ गई. ये जो कह रहे हैं कि आर्टिकल 184(3) में अगर कोई आप तब्दील लाते हैं, उसके लिए आपको आईन में तरमीम की जरूरत है, एक्ट ऑफ लॉ से शायद ये चेंज नहीं होगा. आप चूंकि कानूनदान भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं, ये वैसे बेस्टर अली जफर साहब ने भी नुक्ता उठाया था जब ये सेनेट में ये बिल लाया गया था, इस पे आपकी क्या राय है कामरान मुर्तजा साहब, गाइड कीजिएगा. इसमें ऐसा है कि तो किसी को एतराज नहीं है, एक आदमी जिसमें वो रिट्रोस्पेक्ट अपील की जो अपील की जो दिया गया है उस पे एतराज है, ठीक है ना, बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को एतराज नहीं. ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये 184(3) वाली जो बात करता है, इस पे जो है 2019 में मैंने अमेंडमेंट मूव करवाई थी अपनी वाइफ से और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मूव करवाई थी, इनके उस वक्त वजीर थे फरोग मुस्लिम साहब जी, उन्होंने कहा कि जी उसको रिजेक्ट करवाया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी और रिजेक्ट करवाया, इन्होंने कहा कि जी जजेस नाराज हो जाएंगे. तो उस वक्त जजेस नाराज हो जाएंगे, आज जो है ना वो दस्तूर में जो है ना तरमीम होनी चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आता. 2019 वाली अमेंडमेंट अगर चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, मैंने इसी के नीचे तरमीम करवाई थी 184(3) के नीचे प्रोविजन ऐड की थी के लिए. तो इसमें अलावा एक बात बता दें, हम जितनी बार हैं ये मेरा ख्याल है कम से जब से मुझे याद है, जब से कम मुझे सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है मेरे पास 20-25 साल से,
उस वक्त से मुझे याद है कि हमारा हमेशा मुतालबा रहा है कि इसको अमेंड किया जाए और इसमें हम इस हद तक की गए कि हारून तो आप समझते हैं अमेंड जो किया जा रहा है वो ठीक तरीके का अख्तियार किया गया, यही नुकता उठाया जा रहा है ना। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, ओके मुझे एक मिनट दे दीजिए। हारून रशीद साहब आपके साथ बैठे, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, और ये सबसे बड़ा होता होता है। इसमें हमने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये भी कहा कि सिर्फ आप बाई रूल्स जो नाम फिक्स कर लें और रूल्स के तहत आप जो है वो हमको अपील हक देते हैं, तो रूल्स जो है ना वो एक्ट से भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये हम इस हद तक ये बात गई है और ये रिकॉर्ड पे है और इसका जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको मिल जाएगा, 10 साल पुराना भी मिल जाएगा, 15 साल पुराना भी मिल जाएगा। हमारा हमेशा जो है वो झगड़ा रहा है, क्योंकि मसला सिर्फ ये है कि कोई भी जस्टिस जो है वो अपना इख्तियार छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, इससे पहले वाले भी इख्तियार छोड़ना चाहते थे और इसमें बुरी बात ये है पूरे कानून में मात्र एक बात के जिसमें शायद नवाज शरीफ साहब को फायदा ना ले ले इनके ख्याल के मुताबिक या कोई और दोस्त इस तरह का फायदा ना ले ले का फायदा ना ले। इसके अलावा इस पूरे कानून में एक बुरी बात बता दें उनके जी वो सेटर भाई साहब वो कह रहे हैं कि इसके अलावा जो नुक्ता है अपील का इसके अलावा और इस कानून में जिस पे आपको इतराज हो, कमरा मुर्तजा साहब पूछ रहे हैं। वो बात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाली है, वो मैं मूव करवा के देख चुका और उसके ऊपर ये रिजेक्ट करवा के देख। सर जी वो कह रहे हैं मैं करा चुका हूं 2019 में। देखिए फेयर इनफ, आपने मूव कराया था वो रिजेक्ट हो गया था। आवर पॉइंट इज सिंपल सी चीज है, जो आर्टिकल 184(3) जिसके लिहाज वो मोटो होना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट आपस में बैठ के अपने रूल्स बनाएंगे और उनके रूल 6 और 7 भी इस चीज को बताते हैं कि अगर कुछ हो तो वो लोग इसका कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करना है वो सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर है, वो कैसे रूल्स करते हैं। लेकिन जो अपील वाली बात है ये रूल्स नहीं आती, ये आपको एक्ट के अंदर आना होगा और एक्ट के अंदर अगर ये नहीं आते ये इस लॉ के तहत करते तो ये लॉ आपका एक्ट के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है उसके आर्टिकल के साथ ये तसादम में है। अब इधर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, आप उसको कर नहीं सकेंगे और जो कर रहे हैं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल लॉयर्स वहां बैठे हुए और वो इस जगह पे विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम दे आर डूइंग एन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आप बताएं जी वाइस चेयरमैन साहब। देखिए ना जो सूरत हाल क्रिएट हुई है वो अब वक्त की ये ज़रूरत पर पड़ी है कि जिन हालात में असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई जिनकी ज़रूरत नहीं थी, अगर हुई हैं तो वो क्यों हुई हैं, वजह कोई नहीं है। फिर कौमी असम्बली में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और कौमी देखे ना ये नेशनल असम्बली है, इसमें लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं पूरी नेशंस के, अगर नो कॉन्फिडेंस हो ही गया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे था, कॉन्स्टिट्यूशनल वे से गवर्नमेंट टॉपल हुई, अब वो असम्बली पूरे के पूरे जो पीटीआई के लोग थे वो सारे उठ के चले गए कि हम इस असम्बली का, अगर तो हुकूमत उनके पास हो तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो उन्होंने आज अगर वो असम्बली में बैठे होते तो सूरत हाल और होती। yes. ये बिल कोई पेश ही नहीं हो सकता था, वो अपोज करते बैठ के असेंबली के अंदर सारा मामला होते। ये तो आपने बताया बिल्कुल, पार्लियामेंट की आपने जो फंक्शनिंग है उसके वाले से बात की, मेरा नुक्ता ये था असेंबली डिसॉल्व हुई वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली हुई है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिसॉल्व नहीं हुई है, एंड इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, क्यों हुई है, सही हुई है, गलत हुई है, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, हमारी मर्जी हम करें ना करें किस वजह से करें, दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन। देखिए जस्टिस अथर मिनाला साहब को नहीं उठाना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने कहा है, ही शुड नॉट, जजेस साहबान ने ये कहा है कि असेंबलियां डिसॉल्व क्यों हुई, उधर से बेंच से आई है, इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन, असेंबली के बाहर बैठा हुआ है और वो दो असेंबलियां डिसॉल्व कर देता है। चौधरी परवेज इलाही वो थे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वो उनका एक एमएनए फवाद चौधरी जब वो अरेस्ट हो गया तो वो कहते थे ये पहले हो जाता तो मेरी गवर्नमेंट ही न जाती। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका तो ये ख्याल ही नहीं था और या ना ये मर्जी थी कि हमें असम्बलियों से बाहर भेज दिया जाए, ये उनका भी राइट अफेक्ट हुआ है, कौम का भी राइट अफेक्ट हुआ है कि जिनके रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी बैठे हुए थे अब वो असेंबली नहीं है। मुझे बताइए तो आपने नुक्ता बता दिया, जो बात राणा तनवीर साहब से भी हमने बात की जो उन्होंने कहा है कि जो अखराजात की बात है इलेक्शन पे कानूनी नुक्ता, उस हवाले से आपकी राय में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था 10 अप्रैल आज हम शो कर रहे हैं आपने 21 अरब रुपए देने, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रांट है ये सप्लीमेंट्री जो बजट है ये विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट हम इसको नहीं रिलीज कर सकते, इस पे आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में सूरत हाल? ये तो डिसीजन कैबिनेट ने लेना है और सिटिंग गवर्नमेंट ने लेना है।
ठीक है, अगर उनके उनके अपने मामला जो मॉनेटरी हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो है, वो सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जवाब देना है कि हमारे पास ये 21 अरब है या नहीं है, या क्या वजह है कि क्यों नहीं दे रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने आर्टिकल 220 पढ़ लेना, आर्टिकल 220 क्या कहता है, आर्टिकल 220 कहता है कि जो फेडरल और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव है, दे शुड हेल्प द कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इन एवरी वे टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। सो दैट मींस वो एम्पावर कर रहा है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने जाके भीख नहीं मांगनी, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की तरह ऑर्डर करना है, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे यहां पर यह तहफ्फुज चाहिए। और जितने भी इदारे हैं वो अगर नहीं देते, अगेन वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं। क्यों सर, ये इसके जुमरे में आते हैं, लास्ट वर्ड फिर आपसे, फिर मैंने क्लोज करना है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने, पांच जजेस ने इस बारे में वो अपनी अपना व्यू दे दिया के ऊपर है, इलेक्शन के ऊपर सबने कहा इलेक्शंस होने चाहिए। बेसिक चीज तो यही थी कि उन्होंने 184(3) का एक्शन क्यों लिया। सुमोटो के ऊपर है, दैट इज नॉट एन इलेक्शन। सिर्फ सुमोटो पे नहीं, वो फिर उसके फैसले पे भी कॉन्सिक्वेंसेस जो आप बात कर रहे हैं सर, वो फिर देखिए अगर चलो ये गलत हो जाता है ना, तो आपका उन्होंने तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो 10 फरवरी को कहा था कि 90 डेज के अंदर फैसला आ गया, इसकी वजह से नहीं, वो अभी पेंडिंग है, वो पेंडिंग सर, वो उस वजह से रुक गया था। वो अगर रुका हुआ है तो अभी फैसला करवा लें, फिर उसका फैसला होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता। अब दो जजेस साहब जिनका कोई तलक ही नहीं था, उन्होंने सुमोटो एक्शन के लिए रिकमेंड कर दिया और चीफ साहब ने एक्शन ले लिया, और ये सारे हालात देखते हुए अब ये जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं कि एक जज साहब के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, सीनियर मोस्ट तीन जजों के पास, ये भी जो डिसीजन हुआ, ये जो डिसीजन हुआ, ये भी इसी तरह है ना, किसी के हाफिज साहब का वो केस हो रहा था, उसमें उन लोगों ने ये चीज कर दिया, इसी तरह ही हुआ है ना, जी, वो ये भी इसी तरह ही हुआ ना, केस कुछ और था, उसमें 20 नंबर का था, 20 नंबर का केस है ना, उसमें उन्होंने आके 184(3) कर दिया। देखिए ये सारी चीजें हर जगह होती है, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, और मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग इस वक्त दो चीजें हैं, एक इंटरनल मैटर है ऑफ हाउ टू अरेंज द फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फेयर एनफ डू इट, लेकिन एक है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है इलेक्शन, जो कि आपका राइट भी है, राइट ऑफ वोट भी है, ये है। वो बेसिक राइट्स में से, ये सारी चीजें गलत हो रही हैं। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा सकता है, और जैसे राणा तवीर साहब ने कहा, फेडरल मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने अपनी विजडम में किया, अब सदर साहब के पास दोबारा बिल किया, अब उस पे क्या सूट अख्तियार करती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। वक्त मेरा खत्म हो जा रहा है। सेंटर हमायूं साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल, बहुत शुक्रिया। राणा तवीर हुसैन साहब, फेडरल मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद थे, और सेंटर कामरान मुर्तजा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के, उन्होंने अपना मौकफ पेश किया। व्यूअर्स, अब ये मामलात हैं, अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सूरत जो है वो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स आगे कैसे बढ़ती है, और सुप्रीम कोर्ट में मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। बार कैफ जो टेक अवे ये है कि हर मैं अपने प्रोग्राम के खत्म में कहता हूं, वो है बातचीत, बातचीत और बातचीत, उससे ही मामला का हल निकलेगा। अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहे तो फिर मामले का हल नहीं निकल सकता, वो टकराव और तनाव की सूरत बरकरार रहेगी। इन्हीं कलमात के साथ प्रोग्राम दस्तक से इजाजत चाहूंगा, कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।